तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट 2 के बारे में, मीन्स एयरपोर्ट 2 इन द सेंस एयरपोर्ट न्यू में एकदम क्लेरिफिकेशन ले एयरपोर्ट 2 बोल रहा हूँ उसको। तो आज जो उसका हम स्पेसिफिकेशंस देखने वाले हैं जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है एप्पल की तरफ से, और देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या न्यू फंक्शन हमें मिलेंगे वो सब आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन टेक में। तो वीडियो को देखते रहिए, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्लस अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले एप्पल ने एयरपोर्ट लॉन्च किया था, और जितना मुझे पता चला है एयरपोर्ट्स के बारे में इतना कुछ चेंजेस ज़्यादा कुछ खासा हुआ नहीं। अगर आप पुराने एयरपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 या 4 चीज़ों का फ़र्क हुआ जो मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ आपको। तो कौन सी वो चीज़ें हैं, 4 मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट से शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट हमें इसमें वायरलेस चार्जिंग देखने मिल जाएगा, जो कि पहले वाले एयरपोर्ट्स में हमें नहीं मिलता था, जो अभी के एयरपोर्ट में मिलता है। तो वायरलेस चार्जिंग इसमें एक नया देखने मिल जाएगा, प्लस एक इंडिकेशन लाइट दिया गया है जो पहले के इसमें हमें नहीं मिलता था, पहले के एयरपोर्ट्स में नहीं मिलता था, जो अभी के नए वाले एयरपोर्ट्स में हमें मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा नया वाला एयरपोर्ट कितना चार्ज हुआ है या कितना चार्ज कम है उसमें सब नोटिफिकेशन लाइट दिए गए हैं। तो फिर एक नया अपग्रेड किया गया है हमारे नए वाले एयरपोर्ट्स में। प्लस में अगर दूसरी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें एक नया चिप दिया गया है जो है H1 चिप, जो पहले W1 चिप आता था पहले वाले हेडफोन्स में, और अभी के नए वाले एयरपोर्ट्स में H1 चिप दिया गया है। तो H1 चिप का फ़ायदा क्या होता है वो तीसरे पॉइंट में हमें पता चलेगा। जो तीसरा पॉइंट है, जो H1 चिप है वो थोड़ा फास्ट है, थोड़ा एफिशिएंट है, जो कि जो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे फेस कर रहे थे कि जब भी हम उसे ओपन करते थे हमारे पुराने वाले एयरपोर्ट्स को आईफोन्स के सामने, तो थोड़ा स्लो वर्क करता था, जो अभी नए वाले एयरपोर्ट में थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो बहुत ही कम टाइम में हम लोग को फटाक से वो हम लोग के फ़ोन में डिटेक्ट हो जाएगा जैसे ही हम उसे खोलेंगे, मतलब थोड़ा फास्ट किया गया है H1 चिप के वजह से, थोड़ा फास्ट हो गया है। और एक नया चीज़ अपग्रेड गया है इसमें, जैसे कि हम पहले वाले एयरपोर्ट्स में हम लोग टैप करके हे सीरी को हम लोग एक्टिवेट करते थे, पर अभी जो नए वाले एयरपोर्ट्स आए हैं उसमें हमें डायरेक्टली हे सीरी, जैसे मोबाइल में हम लोग हे सीरी बोल के आईफोन में जो यूज़ करते हैं, जैसे हम पता ही होगा जैसे कि हम एप्पल में कैसे बोलते हैं हे सीरी, और जैसे सीरी का आ जाता है एक्टिवेट हो जाता है, हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वैसे सेम टू सेम एयरपोर्ट्स में भी अभी फंक्शन लाया गया है। सिर्फ जैसे कि हम हे सीरी बोलेंगे तो फिर फटाक से सीरी एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, जैसे कि हमें कुछ वेदर जानना है, प्लस साथ ही साथ हमें कोई गाना प्ले करना है, किसी को कॉल करना है, वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है वो करना है, तो सब हम इसमें अभी डायरेक्टली हे सीरी बोल के कर सकते हैं, जो पहले हमें नहीं मिलता था करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो नए नए अपग्रेड किया गया है। प्राइसिंग के मामले में भी बहुत ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ा दिया गया है, जो कि मुझे एक ठीक ओपिनियन नहीं लगा, क्योंकि इतने जितने प्राइस में एप्पल ने इसको लॉन्च किया है उतने बजट में हमें बहुत सारे और भी हेडफोन्स ऑफर करते हैं, और बहुत ही अच्छे, मतलब जैसे कि बोस हो गया एक, जैसे कि सिनाइजर हो गया, स्कर्ल कैंडी हो गया, बहुत सारे ऐसे नए नए ब्रांड्स हैं बहुत पुराने जो हेडफोन्स हमें बहुत टाइम से हमें डिलीवर कर रहे हैं। तो उनके कंपेरिजन में एप्पल ने जो अपना नया वाला एयरपोर्ट लॉन्च किया है बहुत ही मुझे एक हाई प्राइस रेंज लगा। अगर आप एक एप्पल यूज़र हो, अगर आपको ख़रीदना है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक एप्पल एयरपोर्ट दिया गया है, तो मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस भी नहीं लगा कि कोई नया अपग्रेड करने की ज़रूरत भी पड़ेगी आपको, क्योंकि इतना कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। और सबसे अच्छी एक चीज़ अच्छी लगी है वो है कि उन्होंने कुछ भी डायमेंशन में चेंज नहीं किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया। आप अगर दोनों को एक साथ अगर इसे पकड़ोगे तो कोई भी फ़र्क बता नहीं सकते कि नए एयरपोर्ट कौन से और पुराने एयरपोर्ट कौन से, सिर्फ एक लाइट इंडिकेशन के अलावा। अगर किसी के पास पुराना एयरपोर्ट है तो फिर वो नया एक केस खरीद के एयरपोर्ट उसमें यूज़ कर सकता है और वायरलेसली उसको चार्ज कर सकता है। कुछ एप्पल ने उसका $79 में उसको लॉन्च किया है, जो कि अलग से हम बाय कर सकते हैं, जो कि जिसके पास ऑलरेडी एक एयरपोर्ट दिया गया है। तो मुझे कुछ खासा चेंज नहीं लगा। अगर अपग्रेड का सोच रहे हो कि हाँ मुझे एक अपग्रेड मिल जाएगा, कुछ अच्छा खासा चेंजेस देखने मिलेगा, तो इतना कुछ आपको फर्क देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि साउंड सिस्टम तो एकदम ही सेम है। कुछ भी उसमें मतलब बताया नहीं गया था जब भी उन्होंने लॉन्च किया था, तो साउंड सिस्टम तो एकदम ही सेम होने वाला है। तो कुछ खासा चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ एक हे सीरी एक्टिवेट कर दिया गया, एक नया चिप लाया गया, थोड़ा फास्ट एंड एफिशिएंट किया गया। अगर आप कॉल भी उठाओगे तो थोड़ा फास्ट आपका कॉल रिसीव होगा पहले वाले एयरपोर्ट से। तो मुझे खासा कुछ चेंज नहीं लगा। अगर आप अपग्रेड का सोच रहे हो तो, अगर आप नहीं भी करते हो तो कुछ आपको ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। अगर कोई नया खरीदने जा रहा है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप और भी बहुत सारे हेडफोन जिसकी कंपनी हो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसका प्राइस उसके हिसाब से कुछ लॉयल नहीं लगा उसका, एप्पल ने जो रखा है 15,000 से 18,000 के बीच में नया एयरपोर्ट्स का रेट है, और इतने में तो हमें कोई भी अच्छा कंपनी का, कोई भी अच्छे ब्रांड का एक एयरपोर्ट मिल सकता है वायरलेस।
तो मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। अगर आपको अगर कुछ लग रहा है, अगर आपको कुछ मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों अगर आपको नए एयरपोर्ट्स के बारे में कुछ भी एक सवाल है, कुछ भी सुझाव है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वो लाल बटन को दबा देना सब्सक्राइब का जोर से, और उसके साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं अभी और भी लाने वाला हूँ। तो अगर आपका कुछ भी सुझाव होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।